हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल थिंकर्स में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, क्योंकि जब हम एजुकेशनल थिंकर्स और यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए इनके बारे में पढ़ते हैं तो उस टाइम पे वैसे तो बहुत सारे सिलेबस में हैं एजुकेशनल थिंकर्स, लेकिन उनमें से जो क्वेश्चन जिन पे मेजर तौर पर पूछे जाते हैं उनमें सबसे ऊपर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी, अरविंदो घोष और गांधी जी। तो ये चार तो आपको मस्ट हैं कि ये एजुकेशनल थिंकर्स चार के चार आपको करके जाने हैं। तो उनमें सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। उसके बाद लास्ट में जो है हम इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो हम यूजुअली किस बारे में उनको जानते हैं कि उन्होंने नेशनल एंथम जो है वो भारत का लिखा था। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो है इंटरनेशनलिज्म, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे गांधी जी हैं वो नेशनलिज्म में बिलीव करते थे, वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते थे। तो ये वर्ड जो है ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि इंटरनेशनलिज्म से इनका नाता था और इनका कहना था कि पूरी दुनिया जो है वो एक है और हमें बिना किसी रीज़न के जो है किसी दूसरे कंट्री से हेट नहीं करना चाहिए और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो इंटरनेशनलिज्म में ये उस टाइम पे बिलीव करते थे। फर्स्ट एशियन जो है ये थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। अब इनको नोबेल प्राइज किस चीज में मिला था? लिटरेचर में मिला था, ये याद रखने वाली इंफॉर्मेशन है। गीतांजलि के लिए मिला था इनको और गीतांजलि भी इंग्लिश में लिखी हुई थी उसके लिए, ठीक है जी। पोइट थे ये, उसके साथ साथ म्यूजिक कंपोजर थे। इन्होंने 200 से ज़्यादा सॉन्ग्स लिखे हैं। पेंटिंग्स ये बहुत अच्छी करते थे। 2300 से ज़्यादा आर्ट वर्क्स हैं इनके नाम पे। ट्रैवलर थे। एक्सटेंसिव विजिट जो है वो इन्होंने की है, क्योंकि उस टाइम पे 34 कंट्रीज जो है वो इन्होंने घूम लिए थे। फिर है सोशल रिफॉर्मर थे। अब जो इनके बहुत सारे वर्क हैं उनमें से आपको ये तो मिनिमम याद रखने ही हैं, क्योंकि इनमें से मोस्टली कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। तो काबुली वाला, हंगरी स्टोन इनकी स्टोरी बुक है, नॉवेल जो है वो गोरा चतुरंगा, शेषर कोबिता, चार अध्याय, नौका डूबी, द होम एंड द वर्ल्ड, ये चीज, प्लस द यूनिवर्सल मैन। तो यूनिवर्सल मैन आपको ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। तो ये मोटा मोटा तौर पे था रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये ब्रह्म समाज की जो फैमिली थी उनमें इनका जन्म हुआ था। इनका फैमिली सरनेम कुशारी था, लेकिन और इनकी फैमिली इतनी रिच थी उस टाइम पे कि इनको जो है ठाकुर बोला जाता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिच थे। ब्रिटिश जो है वो इनके नाम को मिसप्रनाउंस करते थे, गलत जो है उनका उच्चारण करते थे। उसी के तहत आगे चल के वो इनको टैगोर बुलाते थे और टैगोर ही फिर इनके, ये टैगोर के नाम से ही फेमस हो गए। राजा राम मोहन रॉय जो है वो इनके फ्रेंड थे और जो राजा राम मोहन रॉय की ब्रह्म समाज जो संस्था थी उसके ये मेंबर भी थे। और 1864 में जो है इनके जो भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर वो फर्स्ट इंडियन बने जो कि जिन्होंने आईएएस का एग्जाम उस टाइम पे पास किया। ऑल्दो अब जो है इसको आईएएस बोला जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। दूसरी बात तो अगर थोड़ा बहुत इनके बारे में जाना जाए तो इनको सर्वेंट्स ने जो है उस टाइम पे पाला था, क्योंकि माता पिता जो है वो दोनों ही बिजी रहते थे काम के सिलसिले में। और इसीलिए इन्होंने एक जगह मेंशन किया है सर्वोक्रेसी का। सर्वोक्रेसी मतलब ये सर्वेंट्स के गुलाम बोल सकते हैं आप एक तरीके से, क्योंकि सर्वेंट्स ने इनको पाला है उस टाइम पे, सर्वेंट्स इनकी देखभाल करते थे। लंदन में जो वो इन्होंने पढ़ाई की है लॉ की, ऑल्दो स्कूल ड्रॉप आउट भी हैं ये। स्कूल ड्रॉप आउट जैसे ही इन्होंने किया तो इनके भाई ने इनको पढ़ाया, फिर जो है धीरे धीरे ये शांति निकेतन में इनके फादर इनको लेके गए। उसके बाद जो है लंदन में स्टडी की इन्होंने लॉ की, ऑल्दो लॉ में भी ये ड्रॉप आउट हैं, बट स्टिल वहां पे जिस कॉलेज से ये पढ़े थे वहां पे आज भी इनके नाम की एक सीरीज जो है वो वहां पे पढ़ाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस को जो है वो इन्होंने देश नायक का टाइटल दिया था, यानी कंट्रीज हीरो। तो सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था टाइटल? रविंद्रनाथ टैगोर में 1939 में। गांधी जी के और इनके विचार जो है वो भी काफ़ी जगह कॉन्फ्लिक्ट खाते थे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे दोस्त भी थे दोनों एक दूसरे के। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड मोटी मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम इनकी फिलोसफी की बात करें तो जो रोसे हैं उनकी तरह ये इंडिविजुअलिस्ट और नेचुरलिस्ट रहे हैं। अगर हम इनकी फिलोसफी के अकॉर्डिंग जाने कि किस तरीके का फिलोसफर, मतलब फिलोसफर में किस तरीके की वैल्यूज होनी चाहिए,
तो उसमें इनका कहना है कि एक इंडिविजुअलिस्ट की तरह जो है राइट टाइप ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए एक इंडिविजुअल को, यानी कि अच्छे तरीके मतलब उसको अपने तरीके से काम करने का फ्रीडम होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ एक इंडिविजुअल को अपने लेवल पे सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। आइडियलिस्ट की तरह मैन शुड लिव फॉर अल्टीमेट ट्रुथ विच लिबरेट्स अस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, यानी कि अल्टीमेट ट्रुथ के लिए आप जी रहे हैं, अल्टीमेट ट्रुथ जानने के लिए, पाने के लिए, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है आप जी रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में ये बिलीव करते थे, एक स्पिरिचुअलिस्ट की तरह जो है हर एक इंडिविजुअल को ट्राई करना चाहिए कि वो स्पिरिचुअल लेवल पे परफेक्ट बन सके। ह्यूमेनिस्ट की तरह जो है भाईचारा, जो इंटर जैसे हमने इनके इंटरनेशनलिज्म की बात की, तो इंटरनेशनलिज्म की तरह ही जो है ब्रदरहुड जो है हमें कायम रखना है। फेथ जो है इनका था फंडामेंटल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड में, इनका कहना था कि यूनिटी है जो कुछ भी है उसी में एकता है बेसिकली। इनका ये भी कहना था कि इवन गॉड डिपेंड्स अपॉन मैन, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो, हमें यूनिटी के साथ काम करना पड़ेगा, यहाँ तक कि भगवान जो है वो भी किसके ऊपर, आदमी के ऊपर डिपेंड करता है अगर उसको एक परफेक्ट यूनिवर्स बनाना है, क्योंकि यूनिवर्स किससे बनेगा, आदमियों से बनेगा, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया भगवान भी। ये इनकी फिलोसफी थी। नेचर जो है वो ग्रेट टीचर है, नेचुरलिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग वो इनका मानना था कि जो चीजें आप एक्सपीरियंस से, नेचर से सीख सकते हैं वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। वेदांतिस्ट जो है उसकी तरह अगर माना जाए तो इनका बिलीफ था, फिलोसफी ऑफ वेदा को भी ये मानते थे, आई एम ब्रह्मा का जो कॉन्सेप्ट है वेद वेदाज में उसके ऊपर भी जो है इनका मानना था कि वो ठीक है। और मतलब बेसिकली ये जो क्वालिटीज हमने अभी अभी गिनवाई कि इंडिविजुअलिस्ट की भी एक क्वालिटी होनी चाहिए, आइडियलिस्ट की भी होनी चाहिए, तो ये सारी की सारी क्वालिटीज एक फिलोसोफर में, ये वैल्यूज एक फिलोसोफर में होनी चाहिए, ये फिलोसफी थी रविंद्रनाथ टैगोर की। अगर हम एजुकेशनल फिलोसफी की बात करें तो हमने नेचुरलिज्म की बात की, ह्यूमेनिज्म जो है, और प्लस इंटरनेशनलिज्म, तो मेजर तौर पे आपको ये इंटरनेशनलिज्म वर्ड याद रखना है। हार्मनी विद ऑल थिंग्स, यानी कि आपको सब चीजों को साथ लेके चलना है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम जो हमने बात की, जब हम बात कर रहे थे कि राइट और फ्रीडम होना चाहिए अपने हिसाब से एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का और अपने हिसाब से फैसले लेने का। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी आप अपने आप को किस तरीके से दर्शाएंगे दूसरे के सामने, उसका प्रिंसिपल। एक्टिव कम्युनियन विद नेचर एंड मैन। फिर है एजुकेशन शुड बी नेचर नेचुरल इन कॉन्टेंट एंड क्वालिटी। सो ओवरऑल अगर हम इसकी एजुकेशन, इनकी एजुकेशनल फिलोसफी की बात करें तो ये नेचर में बिलीव करते थे, व्यक्ति जो है ये इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करते थे कि अपने हिसाब से चीज़ों को बच्चे को करना आना चाहिए, आप उसको टोके नहीं कि आपको ये नहीं करना या वो नहीं करना, तो उन चीज़ों में इनका जो है वो बिलीव था कि रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करे बच्चा, रियल वर्ल्ड से जो है हमें उनको सिखाना है चीज़ों को एक्सपीरियंस के साथ साथ। अगर हम बात करें इनके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जो है टैगोर की जो फिलोसफी एजुकेशन को लेके, वो क्या है, होम एनवायरनमेंट कि घर का जो वातावरण था उस हिसाब से इनकी फिलोसफी बनी, स्कूल का एनवायरनमेंट, लव फॉर नेचर, प्लस इनकी एक्सटेंसिव विजिट जो इन्होंने बहुत सारे देशों में, एक जगह, क्योंकि जब आप घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत नए नए लोगों से मिलते हैं, तो इसलिए इनकी जो एक्सटेंसिव विजिट्स हैं उनका इनकी फिलोसफी पे बहुत जो है वो एम्फेसिस रहा, उनका इफेक्ट रहा, इन्फ्लुएंस रहा। शांति निकेतन वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पॉपुलरली आज के दिन अगर हम बोलें तो यूनिवर्सिटी टाउन के नाम से शांति निकेतन फेमस है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर में, टैगोर ने 1901 में जो है फाउंड किया था, एंड लोकेटेड अबाउट 158 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोलकाता इन बंगाल्स रूरल हिंटरलैंड, यानी कि वेस्ट बंगाल में ये आज भी प्रेजेंट है शांति निकेतन, और वहीं पे ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। रविंद्रनाथ टैगोर लाइफ, इनकी जो ये शांति निकेतन है बेसिकली वो इनकी फिलोसफी का एक नमूना है, ये बात हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे इक्विपमेंट या लेबोरेटरी वर्क या एक्सपीरियंस से सीखने वाली चीज़ें करके, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट, तो ये सारी चीज़ें उस स्कूल में हैं, उस यूनिवर्सिटी में हैं, तो शांति निकेतन जो है वो किससे रिलेट करता है, टैगोर से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इनके एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम्स में ये एक्सप्लेन करते हैं कि मॉरल लेवल पे, एथिकल लेवल पे
एक व्यक्ति को डेवलप होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के मामले में परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, और वहीं पे जो है शांति निकेतन का नाम भी आ जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की इन्होंने, फिजिकल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की, इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात की, भाईचारे की बात की, यानी कि पूरा संसार जो है वो एक नेशन की तरह या भाईचारे की तरह भावना जो है वो सब में होनी चाहिए। एजुकेशन फॉर फुलनेस, तो ये जो टर्म्स हैं ये आपको ध्यान रहनी चाहिए थोड़ी, कि ये इनकी एजुकेशन की एम्स थे। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो ये जो इन्होंने बातें कही हैं उनसे हमें अच्छे से पता चल जाता है कि किस तरीके की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ये बात करते हैं। सो एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एन ओपन हाउस इन विच स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर वन, दे मस्ट लिव द कॉम्पैक्ट लाइफ टुगेदर। यानी कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक ओपन हाउस की तरह इन्होंने कंपेयर किया, जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो मिलजुल के काम करेंगे, कॉम्पैक्ट तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। फिर है, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट नॉट बी अ डेड केज इन विच लिविंग माइंड्स आर फेड विद फूड आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, यानी कि जिसमें लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट ना हो और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जिसमें, जिसको डेड केज की तरह इन्होंने बोला, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए जहाँ पे लिविंग माइंड्स यानी स्टूडेंट्स को सिर्फ स्पून फीड किया जाए, यानी कि जो पका पकाया भोजन है उनको दे दिया जाए, यानी जो इन्फॉर्मेशन टीचर ने दी बच्चों ने याद रख ली, तो वो इंस्टीट्यूशन को ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं मानते। आई नेवर सेड टू दैम दैट डोंट डू दिस और डोंट do that, the boys are encouraged to manage their own affairs. यही बात इन्होंने, मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताई थी कि बच्चे को ये ना किया जाए कि आप ये मत कीजिए वो मत कीजिए, बहुत ज्यादा टोका टोकी ना हो, तो उस चीज का इन्होंने बोला कि मैं कभी भी जो है मना नहीं करता जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनको, और उनको एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी समस्या का समाधान खुद निकालने की कोशिश करें, तो वो उससे क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने यहाँ पे दिया। अगर करिकुलम की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की इन्होंने ऑब्वियसली बात की, जो कि चाइल्ड की जो सारे की सारी नीड्स हैं, चाहे वो एस्थेटिक नीड है, क्रिएटिव, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, हर नीड को कंप्लीट करे, ऐसा करिकुलम हमने रेडी करना है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की जो है इन्होंने बात की, और एक इक्विप्ड लैबोरेटरी जो है वो भी उस टाइम पे अवेलेबल थी, कहाँ पे, शांति निकेतन में। तो करके सीखने वाली चीजों पर इन्होंने जोर दिया, अपने आप जो है बच्चा एक्सपीरियंस से सीखे उस बात पर भी इन्होंने फोकस किया। अब टीचर का क्या रोल रहेगा, टीचर का रोल जो है वो इन्होंने फ्रेंड और फिलोसोफर का रोल बताया। टीचर को बेसिकली जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे इनकी जो ये कोटिंग वर्ड्स हैं, आई हैव फाउंड दैट लिटिल चिल्ड्रन लर्न मोर क्विकली द एटीट्यूड ऑफ द टीचर देन द नॉलेज इम्पार्टेड बाय हिम। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो टीचर को देख के, उसकी पर्सनैलिटी को देख के ज्यादा सीखते हैं, उसके एटीट्यूड को देख के ज्यादा सीखते हैं एज कंपेरिजन टू जो कि वो बात बता रहा है। तो इसलिए टीचर की जो पर्सनैलिटी है वो क्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, तो इनका ये मानना था। तो अगर ये स्टेटमेंट कहीं आती है तो ये किसने कही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। यानी कि अ लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कॉन्टिन्यूज टू बर्न इट्सेल्फ इट्स ओन फ्लेम। यानी कि एक दिया अगर जल रहे तभी तो हम उससे दूसरे दिए को जला सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिया जो है वो खुद बुझ गया और दूसरे दिए को जला दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने इससे कंपेयर किया है टीचर स्टूडेंट के रिलेशन को, कि एक टीचर जो है, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि लर्निंग एक टू वे प्रोसेस है, दो टीचर हो या स्टूडेंट हो वो एक दूसरे से हमेशा सीखते रहते हैं, तो जब तक टीचर जो है उसने सीखने की चाह है तब तक ही वो टीचर है, तो वही टीचर एक्चुअल में टीचर है जो कि खुद सीखे साथ साथ। तो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार आया हुआ है कि टीचर जो है जब साथ साथ सीखता रहे, यानी टीचर का भी एक लर्निंग प्रोसेस हो, वो किसने कही है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कही है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन फॉर चिल्ड्रन वुड बी दैट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, यानी कि इम्प्रूव करते रहना। तो बच्चों के लिए सबसे पहला लेसन यही होगा कि जरूरी नहीं है कि आज जो आपको चीज बता दी गई है, आज जो आपको नॉलेज इम्पार्ट हुई है, वही जो है वो लाइफ टाइम तक रही। वो चीजें चेंज होते हैं, मॉडिफाई होती रहती है, हम जब सीखने का प्रोसेस डेली चलता रहता है तो वो सीखने के प्रोसेस में हम क्या है, इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप हमेशा रखना चाहिए। तो सबसे पहला लेसन बच्चों को इम्प्रोवाइजेशन का दिया जाना चाहिए, ये बात किसने बोली, रविंद्रनाथ टैगोर ने। दे शुड बी
provided constant opportunities to explore their capacities through surprises of achievement. यानी कि उनको explore करना चाहिए, चाहे वो success हो चाहे failure हो, हर चीज़ के बाद एक exploration जो है वो होनी चाहिए, अपनी capacities को, अपने potential को हमेशा निखारते रहना चाहिए. Methods of teaching, ये तो था. Roles क्या रहेगा teacher का? Friend का, philosopher का, hardcore role या dictator का role जो है वो teacher का नहीं होना चाहिए. Methods of teaching जो है वो इन्होंने, जिसमें बच्चा active हो, जो वो खुद कर रहा हो, तो वो वाले जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग इसमें आ जाएंगे. यानी एक्टिविटी बेस्ड डायनेमिक मेथड्स की उन्होंने बात की, इंडिपेंडेंट स्टडी और एफर्ट्स की बात की, ताकि आप खुद करके सीखें चीज़ों को इंडिपेंडेंटली. लेबल्ड देन मेथड्स एज बुकिश, जो उस टाइम पे मेथड्स थे पढ़ाया जाता था, उनको इन्होंने बुकिश, मैकेनिकल, स्टीरियोटाइप्ड, डल और अनइंटरेस्टिंग बोला. यानी कि ये किस तरीके के मेथड जाते हैं, इसके एग्जैक्ट अपोजिट, जो कि इंटरेस्टिंग हो, बुकिश ना हो, जिसमें बच्चा करके सीख रहा हो और स्टीरियोटाइप्ड तो बिल्कुल भी ना हो और इंटरेस्टिंग हो साथ साथ. सो एजुकेशन इन नेचुरल सराउंडिंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी. जैसे कि इनका बेस्ट मेथड क्या था, टीचिंग वाइल वॉकिंग. यानी आप बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, चलते चलते उनको सिखा रहे हैं, कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, तो वो जो है मेथड टीचिंग वाइल वॉकिंग, वो बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो माना जाता है. लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद जॉय एंड कैस्टसी. यानी कि बच्चे इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. वही बात घूम फिर के आती है कि बच्चे सीखें लेकिन उनको पता भी ना चले कि उनको चीज़ें उन्होंने कब सीख ली, एक बर्डन फील ना हो उनको. तो लर्निंग बाय डूइंग का जो है वो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था. फैमिलियर टू अनफैमिलियर चीजें सिखानी है. हियर टू फार, यानी जो सुनी हुई है चीजें वो, या फिर जो जिनसे आप बच्चा फैमिलियर है उसके बाद आप अनफैमिलियर की तरफ ले जाएंगे. ये वही वाली टर्म्स हो जाते हैं कि प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, नई चीज सिखा रहे हैं. सो नोन टू अननोन, तो ये मेथड्स ऑफ टीचिंग की इन्होंने बात की थी. अब हम बात कर लेते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अ टीचर कैन नॉट ट्रूली टीचेस अनलेस ही इज लर्निंग हिमसेल्फ इज अ पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकुलेटेड पर्टिकुलरली बाय. ऑब्वियसली ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है कि टीचर जब तक खुद नहीं सीख रहा तब तक वो दूसरे को अच्छे से नहीं सिखा सकता. तो ये रविंद्रनाथ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है. द यूनिवर्सल मैन इज रिटन बाय, कई बार जो मैच द फॉलोइंग होते हैं उनमें भी ये यूनिवर्सल मैन का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो द यूनिवर्सल मैन जो है वो टैगोर ने ही लिखी है. फिर है प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन बाय टैगोर. टैगोर से रिलेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? टॉल्स्टॉय फॉर्म, शांति निकेतन, मीराम्बिका, रामकृष्ण परमहंस या रामकृष्ण स्कूल. तो ये शांति निकेतन जो है वो टैगोर से रिलेटेड है, टॉल्स्टॉय फॉर्म गांधी जी से रिलेटेड है, मीराम्बिका अरविंदो से रिलेटेड है, और रामकृष्ण स्कूल जो है वो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है. ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो आंसर है उसके अलावा जो चीज़ें हैं, अब मैंने ये चार चीज़ें बताई आपको और मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि ये चार थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी और अरविंदो. तो ये चार तो आपको मस्ट है करके जाना. जैसे मैच द फॉलोइंग में है, गांधी जी की एजुकेशन क्या थी? ऑब्वियसली बेसिक एजुकेशन थी. टैगोर ने किस तरीके की एजुकेशन की बात की? इन्होंने नेचुरलिस्टिक और इंटरनेशनलिज्म से रिलेटेड एजुकेशन की बात की, नेचर के पास जो है आप करके देखें चीज़ों को, वो बात की एजुकेशन की. अरविंदो ने इंटीग्रल एजुकेशन की बात की है, जहाँ पे भी इंटीग्रल एजुकेशन वर्ड आए वहाँ पे सिर्फ अरविंदो होंगे. विवेकानंद ने जो है वो मैन मेकिंग एजुकेशन, यानी जो हम, और इसका डिटेल में हम इनके अलग अलग वीडियोज में भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनके थिंकर्स के नाम है और साइड में कोई बुक है या कोई पब्लिकेशन है जो इन्होंने छापे, इन्होंने लिखी है. तो गांधी जी ने माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी थी, टैगोर ने जो है वो यूनिवर्सल मैन. तो आपको ये दो तीन पर्टिकुलर हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आप एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल दिखती है प्रीवियस ईयर में वो तो आप कर ही सकते हैं. अरविंदो ने सावित्री लिखी थी, तो सावित्री बाई फूले जो है वो भी सिलेबस में है यूजीसी नेट के, तो ये नहीं सोचना है कि सावित्री है तो सावित्री बाई फूले ने ही लिखी होगी. अरविंदो ने लिखी है सावित्री, और विवेकानंद जी ने लिखी है प्रैक्टिकल वेदांता. तो ये आपको ध्यान रखना है. सन्स ऑफ द मॉर्निंग इज द पोएम रिटन बाई, ये किसने लिखी है? गांधी जी, टैगोर, अरविंदो, विवेकानंद. तो ये भी टैगोर जी ने लिखी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टैगोर नॉलेज शुड बी कम्युनिकेटेड टू चिल्ड्रन इन एन एनवायरमेंट ऑफ नेचर, अ सोशल एंड फ्रेंडली एनवायरमेंट,
an environment where free actions are permitted and all of the above. Obviously, इन्होंने naturalistic education की बात की है, तो environment of nature की बात होगी. A social and friendly environment, क्योंकि इन्होंने overall क्या बात की थी कि बच्चे करके सीखें और एक दूसरे के साथ जो है मिल के सीखें, तो social और friendly environment की बात हो गई. An environment where free actions are permitted, यानी कि बच्चे को अपने मन की जो actions वो करना चाह रहा है, जो मेथड्स वो फॉलो करना चाह रहा है, वो करने की आज़ादी दी जानी चाहिए. तो परमिटेड है, यहाँ पे परमिशन है उसको एनवायरमेंट में, जहाँ पे बच्चे फ्री एक्शंस बच्चों के परमिटेड हैं. तो ये सारे के सारे ही सही हैं. तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें ध्यान से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और रिपीटेडली जो है वो पूछे गए हैं. एक साल छोड़ के दूसरे साल पूछ ले तो तरीका बदल सकता है. इन्फॉर्मेशन मेजर तौर पे सिर्फ यही पूछी गई है टैगोर से रिलेटेड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पब्लिकेशन ऑफ टैगोर. कौन सी पब्लिकेशन टैगोर की नहीं है? तो इनमें से यंग इंडिया जो है वो नहीं है, बाकी तीनों के तीनों पब्लिकेशन जो है वो टैगोर की हैं. अब यंग इंडिया नहीं है ये बात तो आपको याद रह जाएगी, लेकिन ये तीनों हैं, ये तीनों के नाम भी आपको ध्यान होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल ऑफ शांति निकेतन अपहोल्ड्स इन मैनी रिस्पेक्ट्स ऑफ द चीफ प्रिंसिपल ऑफ पैराग्मेटिज्म, टू हुम दिस स्कूल इज एसोसिएटेड विद. तो ये स्कूल किससे एसोसिएटेड है? ऑब्वियसली रविंद्रनाथ टैगोर जी से एसोसिएटेड है. फिर है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू. इनको नोबेल प्राइज किस में मिला था? लिटरेचर में. तो ये दोनों ऑप्शन में लिटरेचर है. एजुकेशन इज स्टार्टेड विद शांति निकेतन, इसके लिए तो नहीं मिला था ऑब्वियसली. कोज ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू सेवा सदन, सेवा सदन भी रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड नहीं है. तो बचे दो ऑप्शन हमारे पास, लिटरेचर में मिला है लेकिन इंग्लिश वर्जन के लिए मिला है या बांग्ला वर्जन के लिए. तो ये इंग्लिश वर्जन के लिए, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था. फर्स्ट एशियन थे ये जिनको नोबेल प्राइज मिला था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.